हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीटेंस आवर लव स्टोरीज। मैंने कल मेरे दिल की गहराई से का एक एक्स्ट्रा पार्ट सुनाना शुरू किया था। आज मैं उसी एक्स्ट्रा पार्ट का बाकी का हिस्सा सुनाने वाली हूँ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक में ही आएगा। आप सबको नवरात्रि, दशहरा और दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई देकर मैं आज का पार्ट शुरू कर रही हूँ। लानवांग जी बहुत सारे शोज में जाता है, पर उन शोज में विवक्षा नहीं होता है। और जब विवक्षा मीटिंग के लिए जाता है तब वहाँ लानवांग जी नहीं होता है। लानवांग जी का तो कोई दोस्त है ही नहीं, पर विवक्षा के लगभग सारे दोस्त लानवांग जी को तब से जानते हैं जब लानवांग जी इतना फेमस नहीं था। उनकी 17-18 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में आज पहली बार ऐसा हुआ जब विवक्षा किसी को उससे मिलाने लाया, पर लानवांग जी ने उसके सामने अपना रिश्ता डिस्क्लोज नहीं किया। लानवांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे उस वक्त कुछ और नहीं सूझा। एक तो चिंसू उसकी फ़ैन है और ऊपर से वो उसी के हस्बैंड से प्यार जता रही है। लानवांग जी के दिल में बहुत तकलीफ हो रही है, पर उक्षा को क्या करना है इस बात का फैसला उक्षा को ही लेना है। अगर वो मिस चिन के पास वापस जाना चाहे तो क्या लानवांग जी उसे रोक पाएगा? नहीं, लानवांग जी उसे रोकेगा भी नहीं, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड का आधा अधूरा प्यार नहीं चाहिए। उक्षा को वो पूरा चाहता है, वो किसी और के साथ उसे शेयर नहीं करेगा। इसलिए अगर उक्षा चिंसू को चुनता है तो वो चुपचाप उन दोनों के बीच से हट जाएगा। थोड़ी देर में जिन जिक्षुआ और जियानियांग भी जिन लिंग के साथ आए। उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए और पार्टी में ड्रिंक सर्व किया गया। उस अनाउंसमेंट के बाद जिन लिंग फिर अपने हम उम्र लड़के लड़कियों के साथ बिजी हो गया। थोड़ा मौका पाकर उसने जिंगी से पूछा, हम कहीं चले? जिंगी ने पूछा, कहाँ चले? जिन लिंग ने कहा, चलते जानते डिसाइड करते हैं। दोनों चुपचाप निकल गए और लिफ्ट की तरफ जाने लगे। जिंगी ने पूछा, क्या हम आपके रूम में जा रहे हैं? लिफ्ट का बटन दबाते हुए जिनलिंग ने कहा, मेरे रूम में तो कोई भी कभी भी आ जाएगा, तुम्हारे रूम में नहीं जा सकते? जा सकते हैं, सीजी तो लड़कियों में बिजी है, वो अभी नहीं आएगा, जिंगी ने जवाब दिया। लिफ्ट आ गया तो दोनों उसमें चढ़ गए। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही जिनलिंग जिंगी को किस करने लगा। डोर खुलने से जस्ट पहले ही उसने जिंगी को छोड़ा। जिंगी ने कुछ नहीं कहा, लिफ्ट से उतरकर वह चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगा। जिन फैमिली के लाडले साहिबजादे ने आज उसे चुना है। वो जानता है कि ऐसे अमीर लड़के हर हफ्ते अपने पार्टनर्स बदलते हैं। पर जिंगी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। जब से वो जिनलिंग से मिला है तब से उसे वो अच्छा लगने लगा है। ये उसका पहला किस था, ये उसका पहला रिलेशनशिप है, अगर इसे रिलेशनशिप कहा जाए तो। जिनलिंग सीक्रेटली उसके रूम में जा रहा है। रूम में आज जो कुछ भी होगा वो भी सीक्रेट ही रहेगा। लोगों को ये सब पता चलेगा तो उसमें जिंगी की ही बदनामी होगी। जिनलिंग को कोई कुछ नहीं कहेगा। रूम के अंदर जाकर जिनलिंग जिंगी को अपनी बाहों में लेता है। जिंगी, तुम 18 साल के हो गए हो ना? जिंगी का दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठा। उसने कहा, पिछले महीने ही 18 का हुआ हूँ। जिनलिंग सुनकर खुश हुआ। अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हारे डैड को पता चलने पर वो आकर मुझे पीटते। मेरे डैड मेरे साथ नहीं रहते हैं, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। नहीं, अभी तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, जिंगी ने कहा। तुम कितने क्यूट हो जिंगी, जिनलिंग उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूता है। मन हो रहा है कि तुम्हें पूरा खा लूँ। जिंगी चौंक कर देखता है, तुम डर क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? जिनलिंग ने उसे बेड पर ढकेलते हुए पूछा। नहीं, जिंगी ने गर्दन हिला दिया। यंग मास्टर जिन से मिलकर वो इतना अट्रैक्टेड फील कर रहा था कि वो अकेले उसके साथ रूम में आ गया, पर अब उसे डर लगने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनलिंग उसकी बॉडी को यूज़ करके उसे धरती से गायब कर देगा? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, जिनलिंग ने जिंगी के शर्ट के बटन्स खोलते हुए पूछा। नहीं, जिंगी ने जवाब दिया। कोई गर्लफ्रेंड, जिनलिंग ने पूछा। नहीं, जिंगी ने जवाब दिया। तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? तुम्हें मैं अच्छा तो लगा ना, जिनलिंग ने पूछा। और फिर उसने जिंगी के चेस्ट पर किस किया। बॉयफ्रेंड, जिंगी चौंक उठा। पर मिस्टर जिन, मेरा फैमिली बैकग्राउंड आपसे मैच नहीं होता है, मैं कैसे आपका बॉयफ्रेंड बनूंगा? फैमिली बैकग्राउंड, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जिनलिंग ने किस करना बंद करके पूछा और फिर वो दोबारा किस करने लगा। जिंगी उसे शॉर्ट में अपनी फैमिली का सिचुएशन बताता है। जिनलिंग ने ध्यान से सुना, पर उसको लगा कि ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
जिंगी के माँ के लिए वो इजीली एक अच्छा घर दे सकता है और वो जिंगी का खर्चा भी उठा सकता है। मिस्टर जील, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, जिंगी ने कहा। आप मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका कीप नहीं बन पाऊँगा। मैं ऐसा करूँगा तो मेरी माँ सह नहीं पाएगी। जिलिंग जिंगी को छोड़कर सीधा बैठता है। क्या नहीं बन पाओगे कीप? ओ, तो तुम्हें मेरे दादाजी के बारे में सब पता है, पर क्या तुम्हें मेरे डैड और चाचा जी के बारे में कुछ नहीं पता? वो दोनों तो सिर्फ अपनी वाइफ से ही प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिन फैमिली का हर कोई कैरेक्टरलेस ही हो, जिनलिंग ने कहा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और ये बस कोई कहने की बात नहीं है। प्यार? जिंगी ने पूछा। हाँ प्यार, क्यों तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? जिनलिंग जिंगी के चेस्ट को कवर करता है। मुझे लगा कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है, पर हम तो आज ही मिले हैं, जिंगी ने कहा। जिनलिंग एक गहरी सांस छोड़कर जिंगी के शर्ट के बटन्स लगाने लगता है। आई एम सॉरी जिंगी, एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट टाइम है। मुझे लगा कि इसी को लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं। तुम्हें सोचने का टाइम चाहिए तो तुम ले सकते हो, मुझे तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। जिनलिंग अपना कार्ड निकाल कर देने लगा तो जिंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिस्टर जिन, क्या आप मुझे अपना रियल बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं? आपके पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो नाराज़ नहीं होंगे? मैंने सुना कि वो किसी बिजनेसमैन की बेटी के साथ आपके रिश्ते की बात कर रहे हैं। वो लोग मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे शादी नहीं करा पाएंगे। आज पार्टी में मेरे आसपास जो लड़कियां घूम रही थी उनमें से किसी के लिए मैंने वो फील नहीं किया जो मैंने तुम्हारे लिए फील किया। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। जिनलिंग जिंगी का हाथ पकड़कर चूमता है। तुम मेरा नंबर रख लो, तुम बुलाओगे तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ जाऊँगा। अब चलो पार्टी में चलते हैं। आपको अभी कुछ और नहीं करना? जिंगी कार्ड को देखते हुए पूछता है। जिनलिंग अचानक जिंगी को बेड पर गिराकर प्रेस कर देता है और उसके गर्दन पर किस करने लगता है। तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पहले तुमने मेरा दिल चुराया और फिर तुमने मेरा पहला किस ले लिया और अब ये। मैंने आपका पहला किस ले लिया? जिंगी मुंह बनाकर बोलता है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? जिनलिंग जिंगी के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस करके रखता है। जिनलिंग ने अपनी आँखें बंद कर ली। पसंद हो, उसने कहा। ये हुई ना बात, आज से हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। मुझे अपना नंबर दे दो, जिनलिंग ने कहा। जिंगी अपना नंबर देता है और जिनलिंग का नंबर सेव कर लेता है। फिर वो शर्ट बदल कर जिनलिंग के साथ निकल जाता है। जिन फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा है। विभूषिया और उसके दोनों दोस्तों ने भी अभी अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा लिया है, पर वो लोग जिन ग्रुप के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं आ सकते। वो लोग कॉम्पिटिशन करते भी नहीं हैं, पर बिजनेस की दुनिया में लोग विभूषिया और वेंचिंग को पहचानते हैं। थोड़ी देर में विभूषिया बाकी बिजनेसमैन के साथ एक टेबल पर जाकर बैठा और बातें करने में बिजी हो गया। लानवांग जी से भी बहुत लोग आकर मिल रहे थे। थोड़ी देर में विभूषिया के फ़ोन में एक मैसेज आया। मैसेज ओल्ड लवर से आया है, देखकर उसने जल्दी से उसे खोलकर देखा। ये पार्टी कितनी बोरिंग है, मैसेज पढ़कर विभूषिया ने आंखें उठाकर लानवांग जी की तरफ देखा। लानवांग जी ने भी उसी टाइम उसकी तरफ देखा था। एक पल के लिए अपने हस्बैंड से नज़रें मिलाकर विभूषिया ने कैजुअली हॉल में नज़रें घुमाई। चिंसु से नज़रें मिलने पर उसने मुस्कुराया और फिर उसने रिप्लाई किया, पर हमारी आफ्टर पार्टी बोरिंग नहीं होगी। विभूषिया फिर से बातों में लग गया। कुछ देर में फिर से एक मैसेज आया। आफ्टर पार्टी में क्या होगा? विभूषिया ने मुस्कुराकर रिप्लाई किया, जो तुम चाहोगे। आफ्टर पार्टी में भी ड्रिंक्स होंगे क्या? ओल्ड लवर ने पूछा। ड्रिंक तो मैं पार्टी में ही कर लूँगा, आफ्टर पार्टी में सिर्फ लव मेकिंग, विभूषिया ने लिखा। ये मैसेज पढ़ते ही चिंसू का चेहरा गर्म हो गया। कितने साल हो गए लास्ट टाइम जब वो किसी के बाहों में थी? नहीं, वो सब वो याद भी नहीं करना चाहती। चिंसू विभूषिया की तरफ देखती है। वो कितना हैंडसम है। बचपन में अगर वो दोनों बिछड़ नहीं जाते तो वो किसी भी हाल में विभूषिया के साथ अपने रिश्ते को बचा कर रखती। विभूषिया ने कभी भी अपने हस्बैंड को इतने लोगों से बात करते हुए नहीं देखा था। सब लोग उससे बात कर रहे हैं और वो भी सबसे मुस्कुराकर बात कर रहा है। ये देखकर विभूषिया थोड़ा जेलस होने लगा। तभी उसकी लापरवाही से उसके कपड़ों में ड्रिंक गिर गया। वो उठकर जाने लगा। उसे उठकर जाते देख ओल्ड लवर ने मैसेज किया, कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में,
मेरे कपड़ों में ड्रिंक गिर गया है, वो युवक्षा ने रिप्लाई किया। मदद के लिए मैं भी आ जाऊं? और लवर ने पूछा। आ जाओ, वो युवक्षा ने लिखा। फिर कुछ याद आने पर उसने लिखा, रूम नंबर 5010, डोर खुला रहेगा। वो युवक्षा डोर को लॉक ना करके ही वॉशरूम में चला गया। उसने अपनी शर्ट को धोने की कोशिश की तो शर्ट पूरी गीली हो गई। उस शर्ट को उतार कर वो वॉशरूम से निकल आया। आते ही रूम में खड़ी चिंसू को देखकर वो चौंक उठा। चिंसू, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? उसने पूछा। तुमने ही तो मुझे आने के लिए कहा, चिंसू दुखी होकर बोलती है। तुमने मेरे लिए ही तो डोर खोल कर रखा था। तुम्हारे लिए? वो युवक्षा हैरान होकर पूछता है। फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर चेक करता है। उसने मैसेज ओल्ड लवर को ही तो भेजा था। कहीं ये ओल्ड लवर तुम्हारा आईडी है? उसने पूछा। हाँ, तुमने क्या सोचा? चिंसू ने पूछा। मैसेज चेक करते हुए विभूक्षा की नज़र उसके पहले वाले मैसेजेस पर पड़ी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो चिंसू, ये मैसेजेस तुम्हारे लिए नहीं थे। मुझे लगा कि ये उसका अकाउंट है। किसका? चिंसू पूछती है। मेरे हस्बैंड का, विभूक्षा ने जवाब दिया। उसने कहा था कि वो हमारे रिश्ते को एक बार फिर से शुरू करना चाहता है। मुझे लगा ये सब उसी की भेजी हुई मैसेजेस है। पर उस कविता को पढ़कर तुम्हें मेरी याद आई थी ना? चिंसू ने पूछा। वो कविता किसकी है? मुझे लगा वो लानवांग जी की लिखी कविता है, विभूक्षा ने पूछा। हाँ, वो लानवांग जी की लिखी कविता ही है। मेरे कहने पर उन्होंने वो कविता लिखा था, चिंसू ने कहा। तो तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया तब तुमने क्यों नहीं बताया? विभूक्षा ने पूछा। हम आज ही पहली बार मिले हैं। इससे पहले मेरी उनसे बस चैट पर ही बात हुई थी। मैंने उन्हें पैसे दिए और उन्होंने मेरा काम कर दिया, चिंसू ने जवाब दिया। तुमने लानवांग जी को पैसे दिए हैं? विभूक्षण ने पूछा। हाँ, चिंसू ने कहा। कितने? विभूक्षण ने पूछा। मैंने 50,000 ऑफर किया था, वो उसी में मान गए, चिंसू ने जवाब दिया। उस कविता को पढ़कर मुझे लगा कि जैसे वो मेरे दिल की गहराई से निकली हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगा? नहीं, मुझे लगा वो मेरे हस्बैंड की दिल की बात है, विभूक्षण ने कहा। कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड जिससे तुम इतना प्यार करते हो? मैंने सीक्रेट लवर सुना था, सीक्रेट हस्बैंड पहली बार देख रही हूँ, चिंसू ने कहा। चिंसू, आई एम सॉरी, वो सारे मैसेजेस तुम्हारे लिए नहीं थे, एक भी नहीं, कोई भी नहीं, विभूक्षण ने कहा। उक्षिया, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, चिंसू ने कहा। पर मैं नहीं करता, मैं बस अपने हस्बैंड से ही प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम मेरी दोस्त बनी रहो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, विभूक्षण ने कहा। चिंसू और कुछ सुनना नहीं चाहती थी, वो जल्दी से रूम से निकल गई। विभूक्षा बेड पर लेट गया। लानवांग जी ने उसके साथ ये क्या किया? उसने कहा कि वो उसके लिए कविता लिख रहा है और उसके बाद ही तो उसे वो कविता मिली। वो कविता पढ़कर उसे लगा कि ऐसी कविता लानवांग जी लिख सकता है। अनजाने में आज उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। अपना हस्बैंड समझकर उसने आज किसी और से फ्लर्ट कर लिया। उसने चिंसू के साथ भी गलत किया और वांग जी के साथ भी। पर वांग जी को ये सब पता था तो इसलिए उसने उस टाइम उसके साथ अपने रिश्ते को डिस्क्लोज नहीं किया। क्या वो अपने हस्बैंड को चेक करना चाहता था? क्या उसे अभी भी अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं है? पर वो कैसे अपने हस्बैंड को किसी और के हवाले कर सकता है? और इस काम के लिए उसने पैसे भी लिए हैं? वही वक्षा बहुत देर तक बेड पर लेटा रहा। उसका पार्टी में वापस जाने का मन नहीं था। डैड, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, जिंकी के डैड उसे डांट रहे हैं, सिजू का कॉल पाकर वो युवक्षा दौड़ कर गया। जिंकी का डैड उसी होटल में काम करता है, ये बात खुद जिंकी को ही पता नहीं था। इतने सालों में उसके डैड के साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं था, पर उस आदमी को जिंकी दिख गया था। जिंकी को जिनलिंग के साथ जाते देख और उसे शर्ट बदल कर आते देख उसे शक हो गया था। सिजू को भी समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जिंकी उससे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाता है। जिनलिंग और जिंकी दोनों साथ में गायब हो गए थे, ये सिजू ने नोटिस किया था। इसलिए जिंकी के वापस आते ही वो उसे वॉशरूम में ले गया और फिर पूछताछ करने लगा। उन दोनों को पता नहीं चला कब कोई और आकर उनकी बातें सुनने लगा। जिंकी किसी आदमी को डेट कर रहा है सुनकर जिंकी का डैड बहुत गुस्सा हो गया। वो उसे डांटने लगा,
तो सीजू ने जल्दी से अपने डैड को कॉल कर दिया। जब विभूषा आया तब जिंगी का डैड उसे पीट रहा था। विभूषा को देखकर वह और गुस्सा हो गया। विभूषा, तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ा है। दिन रात तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का गंदा प्यार देखते देखते इसका भी दिमाग खराब हो गया है, उस आदमी ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, जिंगी अच्छा लड़का है। तुम्हें बस इस बात पर गुस्सा आ रहा है ना कि वो तुम्हारे बिना भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिता रहा है। जो प्यार तुम उसे नहीं दे पाए वो हम उसे देते हैं, विभूषण ने कहा। हाँ, तुमने और तुम्हारे उस यार ने मिलकर मेरे बेटे को भी गे बना दिया है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कहकर जिंगी का डैड विभूषण को धक्का देता है। विभूषण ने यह उम्मीद नहीं की थी, वो पीछे गिर गया। सीजू जल्दी से आकर उसकी मदद करता है और जिंगी आकर अपने डैड को पकड़ता है। आप अंकल को क्यों मार रहे हो? आपको जो बोलना है आप मुझे बोलो। तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा, कहकर जिंगी के डैड ने उसे जोर से धक्का दिया। पर जिंगी नहीं गिरा, जिनलिंग ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया था। ये देखकर जिंगी का डैड और गुस्सा होकर उसे मारने गया तो जिनलिंग ने जिंगी को अपने पीछे छुपा लिया। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे बेटे से दूर रहो, नहीं तो क्या कर लोगे, जिनलिंग चिल्ला उठा। तभी दो गार्ड्स आकर जिंगी के डैड को पकड़ लिया। जिनलिंग, यहाँ क्या हो रहा है, जिंगी सोनाकर पूछता है। डैड, मॉम, मैं जिंगी से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। ये आदमी जिंगी का बायोलॉजिकल डैड है, पर इसने जिंगी को नहीं पाला, इसे जिंगी को कुछ कहने का क्या हक है, जिनलिंग ने पूछा। जिनलिंग के पेरेंट्स उसे अच्छे से देखते हैं। जिस तरीके से वो जिंगी को प्रोटेक्ट कर रहा है उसे देखकर पता चल ही रहा है कि वो उसके लिए कितना सीरियस है। ये सीजू का दोस्त है ना, ये उसका डैड है, जियांग यानली ने पूछा। बायोलॉजिकल, जिंगी ने जवाब दिया, पर मुझे सीजू के पेरेंट्स नहीं पाला है। तो हम इस बारे में आराम से बात कर लेंगे, मारपीट की क्या ज़रूरत है, जिन जिक्सवान ने कहा। जिन गुआंगियाओ ने गार्ड्स को कहा कि वो जिंगी के डैड को ले जाएं, पार्टी के बाद ही उससे बात की जाएगी। वो युवक्षा मेंटली डिस्टर्ब था, अचानक धक्का खाने से वो गिर गया था। गिरते ही उसके हाथ पर मोच आ गई। सीजी उसके हाथ को ठंडे पानी के नीचे पकड़ा हुआ था। लानवांग जी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। कहाँ चोट लगी, उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, कहकर विभूषण ने उसके हाथ को झटका दिया। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर लान। बाकी लोग वॉशरूम से निकल गए थे। लानवांग जी के आने पर सीजी भी वहाँ से चला गया। बेबी, चलिए मैं आपको ऑइंटमेंट लगा देता हूँ, लानवांग जी ने कहा। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, विभूषण ने कहा। तुमने तो मुझे पहले ही किसी और को बेच दिया है ना। मैंने आपको बेच दिया, या आप क्या बोल रहे हो, लानवांग जी ने पूछा। बस 50,000 कीमत है मेरी, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझे बोलते, मैं तुम्हें 5,00,000 दे देता, विभूषण ने कहा। 50,000 तो मैंने बस एक, लानवांग जी बोलने गया। विभूषण ने उसे बोलने नहीं दिया। एक रात के लिए? एक रात में मैं 50,000 कमा सकता हूँ? ये तो अच्छी पार्ट टाइम जॉब है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बेबी, आप मुझे गलत समझ रहे हो, लानवांग जी विभूषण के गले लगता है। मुझे नहीं पता था कि मिस चिन का बचपन का प्यार आप हो, और वो 50,000 तो मैंने कविता लिखने के लिए लिया था। जब पता चला तब भी तो तुमने क्लियर नहीं किया, तुम्हें तो बस अपनी रेपुटेशन बचानी है ना, विभूषण ने कहा। अब छोड़ो मुझे, कोई तुम्हें ऐसे देख लेगा। देखने दो, कहकर लानवांग जी ने विभूषण को किस किया। डैड, पापा, मैं यहाँ गार्ड देता रहूं या चला जाऊं, सीजू ने बाहर से पूछा। लानवांग जी विभूषण का हाथ पकड़कर वॉशरूम से बाहर निकलता है और फिर सीजू को बोलता है, चलो अंदर चलकर एक फैमिली फ़ोटो खींचवा लेते हैं। चीन सू बैल्कनी में खड़ी थी, उसके पास जाकर लानवांग जी ने कहा, मिस सू, आई एम सॉरी, अगर मुझे पता होता कि आप वो कविता मेरे हस्बैंड के लिए लिखवा रहे थे तो मैं ये काम कभी नहीं करता। मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। नहीं, उक्षा को वो कविता अच्छी लगी है, इसलिए मैं दुगनी रकम देकर वो कविता आपसे वापस खरीद लूँगा। मैं अपने हस्बैंड को किसी भी कीमत में नहीं खो सकता, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। लानवांग जी ने विभूषण के हाथ को जोर से पकड़ा तो उसने कंप्लेन किया, जान आराम से, मेरे हाथ में दर्द है। सॉरी बेबी, सीजू, जाओ अपने डैड के लिए कुछ ले आओ, लानवांग जी ने कहा।
जी पापा, अभी लाया, शिजवी ने कहा। और उस जिंगी को भी बुलाना, मुझे उससे बात करनी है, लानवांग जी ने कहा। बेबी चलिए हम हॉल में चलते हैं, मिस चिन आप भी चलिए। पर जान, हॉल में बाहर के बहुत सारे लोग हैं, वो युवक शान ने कहा। कोई बात नहीं, ये लोग सारे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, आप मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो, लानवांग जी ने कहा। चिंसू ने कहा, मिस्टर लान, मैंने अनजाने में आपके बारे में गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी। तुम दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हो, तुम दोनों की वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्या, वो युवक शान ने पूछा। सब मेरी ही गलती है, अगर मिस चिन को पता होता कि आप मेरे हस्बैंड हो तो ये सब कुछ नहीं होता, आई एम सॉरी, लानवांग जी ने कहा। मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, वो युवक शान ने कहा। लानवांग जी उसके कान के पास मुँह ले जाता है और बोलता है, मैं थोड़ी देर में आपको खुश कर दूंगा, ठीक है ना। चिंसू को लानवांग जी की बात सुनाई नहीं दी, पर उसे विभूक्षा का बदलता एक्सप्रेशन दिखाई दिया। ये दोनों साथ में कितने खुश हैं, उसकी एक गलती से इनका रिश्ता खराब होने वाला था, अच्छा हुआ कि आखिरकार सब ठीक हो गया। लानवांग जी और विभूक्षा को एक साथ देखकर जिनलिंग ने पूछा, जिंगी तुम्हें पता है कि तुम्हारे इन दोनों अंकल्स में कौन टॉप है और कौन बॉटम? पता नहीं, जिंगी ने सर हिलाकर जवाब दिया। कभी लगता है कि अंकल वही ही टॉप है और कभी लगता है कि अंकल लान टॉप है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तुमने सीजू से कभी नहीं पूछा? जिनलिंग ने पूछा। वो मार डालेगा मुझे, वो अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सह पाता है, जिंगी ने कहा। हाँ, मैं भी अपने पेरेंट्स के बारे में ये सब नहीं सुनूंगा, जिनलिंग ने कहा। और फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों में प्यार है, यही सबसे बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार भी इनके जैसा ही हो। अभी तुम अच्छे से पढ़ाई करो, फिर 4-5 साल बाद हम शादी कर लेंगे। तुम मुझे अपने मॉम से मिला देना। आप अभी से इतनी दूर की क्यों सोच रहे हो, जिंगी ने पूछा। सोचना पड़ रहा है, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है, नहीं तो मैं तुमसे अभी शादी कर लेता। पर मैं तुमसे शादी के इरादे से ही डेट कर रहा हूँ, तुम ऐसे ही कभी मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। अगर कभी हम दोनों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पहले हमें उस बारे में अच्छे से बात करनी पड़ेगी, छोटी मोटी बातों पर तुम ब्रेकअप की बात नहीं करोगे, जिनलिंग ने कहा। समझ गया, आज से मैं आपकी प्रॉपर्टी बन गया हूँ, जिंगी ने कहा। हाँ, और मैं तुम्हारी, जिनलिंग ने जवाब दिया। दोस्तों, मेरे दिल की गहराई से का ये एक्स्ट्रा पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।